नमस्कार, मैं हूं सौम्या माथुर और आप देख रहे हैं रिपब्लिक हरियाणा। हरियाणा की बड़ी खबर आज करनाल जिले से आ रही है, जहां पर दो भाइयों की मौत के कारण उनका पूरा परिवार मातम में है। दरअसल हुआ कुछ यूं कि करनाल के निर्मल कुटिया चौक पर एक बड़ा हादसा हुआ, जिसमें दो भाइयों की मौत हो गई। दोनों घर से पढ़ने के लिए इंस्टीट्यूट जा रहे थे कि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करके आ रही यूपी रोडवेज की बस ने दो स्कूटी सवार भाइयों को कुचल दिया। परिवार में मातम का माहौल है। हरियाणा के हिसार जिले के डाट गांव में एक बुजुर्ग महिला को कुत्तों ने बुरी तरह नोच डाला। अस्पताल में इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। मृतका की उम्र लगभग 70 वर्ष बताई जा रही है। वहीं उसकी पहचान धनपति देवी धर्मपत्नी मियां सिंह निवासी डाट गांव के रूप में हुई है। जिस समय कुत्तों ने उस पर हमला किया, वह अपने डॉक्टर के पास दवाई लेने जा रही थी। चंडीगढ़ से फरीदाबाद पहुंचे FMDA के CEO SEVS कुंडू, जहां उन्होंने जिले के आला अधिकारियों के साथ फरीदाबाद के अगले 20 साल के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पर गहन चर्चा की। चर्चा के दौरान FMDA की एडिशनल CEO गरिमा मित्तल, HSVP के एडमिनिस्ट्रेटर प्रदीप दहिया, ADC सतवीर मान के अलावा कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बीती 27 नवंबर से नई कृषि कानूनों के विरोध में किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं। वहीं हरियाणा के सभी टोल किसानों ने फ्री करवा दिए थे, लेकिन 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड में शामिल होने के लिए करीब 5 दिन में किसानों ने धरना स्थल खाली कर दिए थे और ट्रैक्टर परेड में शामिल हुए थे। वहीं लाल किले पर हुए उपद्रव के बाद किसान नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। वहीं हरियाणा में भी धरने स्थल पर किसान वापस लौटना शुरू हुए। इसमें किसान नेता राकेश टिकैत को भी गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बाद किसान नेताओं ने वापस से धरना स्थल पर लौटने के लिए किसानों से आह्वान किया, जिसके चलते एक तरफ से दिल्ली में किसान लौटना शुरू हुए और वहीं हरियाणा में भी धरना स्थल पर किसान वापस लौटना शुरू हुए। इसी कड़ी में यमुनानगर के गधोला टोल प्लाजा पर हजारों की संख्या में आज किसान पहुंचे और कहा कि जब तक नए कृषि कानून वापस नहीं लिए जाते, तब तक किसान पीछे हटने वाले नहीं है। किसान आंदोलन को उग्र होता देख शुक्रवार को हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया, जिसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया। प्रदेश में 30 जनवरी के 5 बजे तक इंटरनेट सेवाएं बाधित रहेंगी। 22 जिलों में से 17 जिलों में लोग इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। पंचकुला, फरीदाबाद, गुरुग्राम, नूह और महेंद्रगढ़ में इंटरनेट सेवाएं चलती रहेंगी। अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया। इस संदर्भ में आदेश व आवश्यक निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। हरियाणा सरकार ने अभिभावकों को एक राहत दी है, लेकिन बड़ी टेंशन के साथ। 9वीं से 12वीं क्लास के स्कूल तो खुले ही हुए हैं, अब प्रदेश में 1 फरवरी से 6ठी से 8वीं तक के स्कूल भी खुल जाएंगे। इसके लिए शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को हिदायतें भी दे दी हैं। कक्षाएं सुबह 10 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक लगेंगी, यानी सुबह 3 घंटे के लिए स्कूल लगेगा, लेकिन शर्त यह है कि स्कूल आने वाले विद्यार्थियों को कोरोना रिपोर्ट जमा करवानी होगी। किसान आंदोलन के बीच हरियाणा के भिवानी जिले में जिला अधिकारी जयबीर सिंह आर्य के आदेश पर धारा 144 लागू कर दी गई है। बता दें कि इससे पहले हरियाणा सरकार प्रदेश के 17 जिलों में इंटरनेट सेवा भी ठप कर चुकी है। प्रदेश सरकार ने सबसे पहले 26 जनवरी की शाम सोनीपत, झज्जर और पलवल जिले में इंटरनेट सेवा बंद की थी। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का आज 66वां दिन है, लेकिन पिछले 4 दिन में 2 बार हुई हिंसा के बाद आंदोलन अब नया मोड़ ले रहा है। सिंघू बॉर्डर के साथ ही अब गाजीपुर भी बड़ा पॉइंट बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यूपी के किसानों का गाजीपुर पहुंचने का सिलसिला जारी है। यह फैसला मुजफ्फरनगर में शुक्रवार को हुई महापंचायत में लिया गया, ताकि आंदोलन को मजबूत किया जा सके। कृषि कानूनों को लेकर आज हरियाणा के चरखी दादरी में फोगाट खाप की सर्वजातीय पंचायत हुई, जिसमें पदाधिकारियों ने ऐलान किया कि गाजीपुर बॉर्डर पर जमे प्रदर्शनकारियों के समर्थन में कल सुबह 10 बजे हजारों किसान गाजीपुर बॉर्डर की तरफ कूच करेंगे और जो किसान का साथ ना दे, उनका हुक्का पानी बंद कर देंगे। खाप के पंचों ने सीधे हरियाणा के डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला, सांसद धर्मवीर सिंह व चेयरमैन राजदीप फोगाट का बहिष्कार की बात करते हुए हुक्का पानी बंद करने का फरमान सुनाया। हरियाणा के कालका से विधायक प्रदीप चौधरी की विधानसभा की सदस्यता खतरे में आ गई। हिमाचल प्रदेश की एक निचली अदालत ने कालका से कांग्रेस विधायक प्रदीप चौधरी को आपराधिक मामले में 3 साल की सजा सुनाई है। इससे उनकी विधानसभा सदस्यता पर तलवार लटक गई है। नियमानुसार 2 साल से अधिक सजा पर दोषी की संसद और विधानसभा की सदस्यता खत्म करने का प्रावधान है। हालांकि चौधरी को भी तत्काल जेल नहीं जाना पड़ेगा, वह 1 महीने के भीतर सेशन कोर्ट में अपील कर सकते हैं।
किसान आंदोलन लगातार आगे बढ़ रहा है, उस पर राजनीति भी हो रही है और इनेलो नेता ने कृषि कानूनों के खिलाफ अपना विधायक पद से इस्तीफा भी दे दिया है। अब खुले मंच से अभय चौटाला किसानों के साथ कृषि कानूनों के खिलाफ उतर गए हैं। आज जब वो बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर किसानों का समर्थन देने के लिए पहुंचे तो उनका स्वागत भी किया गया और वह हरियाणा के पहले ऐसे नेता हैं जिन्हें किसान धरने पर बोलने का मौका मिला, क्योंकि इससे पहले कई नेता किसानों का समर्थन करने तो आए पर उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया। जब अभय बोलने लगे तो उन्होंने सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा, मैं गाजीपुर राकेश टिकैत का समर्थन करने जा रहा हूँ, ये आंदोलन किसी एक का नहीं, ये सभी किसानों का आंदोलन है। सरकार जब तक इन तीन कृषि कानूनों को वापस नहीं ले लेती तब तक सब मिलकर सरकार के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। तो ये थी हरियाणा की तमाम बड़ी खबरें। हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहिए रिपब्लिक हरियाणा के साथ। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे पेज रिपब्लिक हरियाणा को। और इसी के साथ मैं सौम्या माथुर आप सभी दर्शकों से लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।